देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला पत्रकार भी अब सुरक्षित नहीं है। पत्रकारों के साथ हत्या, लूट, बदसलूकी जैसे कई मामले सामने आते रहते हैं। पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी? अभी कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एक पत्रकार के साथ मारपीट हुई थी। अब एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी मिली है। आपको यहां बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर में कमल शुक्ला के साथ कांग्रेस के कुछ दबंगों ने मारपीट की थी। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि बलरामपुर के वाड़फ नगर के पत्रकार विजय लाल को जान से मारने की धमकी मिल गई है, जिससे पत्रकारों में गहरा रोष है। अगर आरोपों की माने तो वाड़फ नगर अनुविभागीय अधिकारी SDM के द्वारा ब्रेकर के संबंध में राजकुमार गुप्ता के नाम पर नोटिस कटा था, जिस खबर को विजय लाल मरकाम के द्वारा बड़ी प्रमुखता के साथ अपने चैनल पर प्रकाशित किया गया था, जिसको लेकर राजकुमार गुप्ता के रिश्तेदार अमर गुप्ता के द्वारा विजय लाल मरकाम को फोन करके जातिगत गाली गलौज की गई। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई और कहा गया कि राजकुमार गुप्ता एक प्रभावशाली नेता है, जिस वजह से पत्रकार विजय लाल मरकाम काफी डरे और सहमे हुए महसूस हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोई भी दुर्घटना उनके साथ घट सकती है, जिसके चलते बलरामपुर के पत्रकारों के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस विभाग वाड़फ नगर के दुर्वेश जायसवाल को ज्ञापन देकर अमर गुप्ता के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग उठाई गई है। बलरामपुर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। जो अमर गुप्ता के द्वारा आपके ऊपर जो गाली गलौज किया गया है वो किसके संदर्भ में किया गया है? आखिरकार पूरा मामला क्या? जी, मैं आपको बता दूँ कि ग्राम पंचायत कछिया जो वाड़फ नगर जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है, जहां ब्रेकर संबंधित में खबर को प्रकाशित किया था, जिसको वाड़फ नगर SDM ने तत्काल संज्ञान पर लेते हुए राजकुमार गुप्ता को कारण बता नोटिस जारी कर दिया था, है ना। तो इसके संदर्भ में जो अमर गुप्ता हैं कछिया के, तो वो मेरे को 4 तारीख को फ़ोन करते हैं सुबह सुबह, और फ़ोन करते साथ बोलते हैं छापे हो तुम्हारा क्या हैसियत है, और बहुत जातिगत विषय को लेकर गंदी गंदी गालियाँ भी दी। और उन्होंने ये भी मेरे को बोला कि तुम राजकुमार गुप्ता को जानते नहीं हो, तेरे को कभी भी जान से मरवा देंगे, कांग्रेस का एक बड़ा नेता है। इस तरीके से बात करते हुए अमर गुप्ता ने खुद को बोला, खुद वो बोला है कि तुम कहीं भी मिलना जान से मार देंगे। इस तरीके से मेरे को बहुत बोला गया, और क्या है कि सुबह का समय था, इसके बाद 4 से 5 मिनट बात हुई है और उन्होंने फिर दोबारा फ़ोन काट दिया है। तो क्या चाहते हैं इसमें? मैं यही चाहता हूं कि यदि इस तरीके से पत्रकारों के साथ यदि किसी खबर को लेके फ़ोन से धमकी मिलना चालू हो जाए, तो कोई भी पत्रकार देखता हूं कि कहीं फील्ड में खबर को प्रकाशित करने के लिए नहीं निकल पाएंगे, और यदि निकलते भी हैं तो उनकी जान माल की खतरा कहीं भी हो सकती है, कहीं भी उनको मरवा दिया जाएगा किसी के माध्यम से, या फिर खुद डरा सा महसूस मुझे खुद होता है कि मैं फील्ड में कैसे जाऊँ। यदि फील्ड में यदि मैं निकलता हूँ तो हो सके मेरे साथ कुछ भी अनाचार हो जाए, तो मुझे खुद डर लगता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं डरा नहीं हूँ, मैं खबर लिखूँगा। यदि गलत किया हो तो मैं खबर लिखूँगा उसके बारे में, मैं डरा नहीं हूँ, और मैं हमेशा सच्चाई के लिए हमेशा लड़ूँगा, और जनता के बीच हमेशा मैं खबर प्रकाशित हम किया हूँ, और हमेशा सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ, तो मैं सच को उजागर करते रहूँगा। ये मैं और इसके संदर्भ में बता देना चाहूँगा कि मैं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी वाड़फ नगर को और चौकी प्रभारी वाड़फ नगर को कल आवेदन दिया है इस संदर्भ में कि इसकी जांच कर तत्काल इस पर कार्रवाई करें। तो उनके द्वारा क्या प्रतिक्रिया मिली? अब देखिए, कल शाम को के समय मैं दिया हूँ आवेदन, आप तो क्या होता है वो तो जाँच के बाद ही पता चल पाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.